दिवाली पर आंसू बहाता तात्या टोपे खेल मैदान, अनदेखी का हुआ शिकार। शिवपुरी का तात्या टोपे खेल मैदान अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जबकि खेल के इस मैदान से आज का युवा अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकता है। परंतु जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते शहर के खेल मैदानों पर बदहाली का आलम यह है कि यहाँ के खेल मैदान में साफ सफाई नहीं करवाई जाती है। और इतना ही नहीं, इस खेल मैदान में खिलाड़ियों के लिए पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। हालांकि यहां विजय राजे सिंधिया खेल मैदान बनाया गया है, परंतु उक्त मैदान पर खेल पाना हर किसी खिलाड़ी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उक्त खेल मैदान में खेलने के लिए एक नियत राशि चुकानी होगी, जो हर वर्ग के खिलाड़ियों के लिए संभव नहीं है। प्रैक्टिस करने रेगुलर आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे कहीं सुबह साफ सफाई कर भी देते हैं तो क्या हो जाता है, रात को कचरा हो जाता है। भैया आते हैं, कपिल भैया सिखाते हैं रेगुलर, अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन क्या वो फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं हो पा रही जो नॉर्मली अपन को अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि क्रिकेट आज की देखा जाए तो आज बहुत ऊपर स्तर पर है क्रिकेट, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। ऐसे आज आप ग्राउंड देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर डाइव लगाएगा बच्चा तो नॉर्मली बात है, उसको छिलेगा तो उसको वो चीज़ की हैबिट ही नहीं पड़ेगी, तो आगे जाके क्या कर सकता है उस चीज़ के लिए। अभी अपन लोग पोलो ग्राउंड में खड़े हुए हैं, अभी आप पूरा देख सकते हैं कि पोलो ग्राउंड की हालत कितनी बेकार है। उससे पहले अपना स्टेडियम जो अपन को एक सौगात के रूप में मिला है, जिस तरीके की केयर टेकिंग वहाँ पर है, ये अपना शहर का टाटे टोपे पोलो ग्राउंड है। अगर इसमें भी अगर इस तरीके के वर्कर्स अगर ग्राउंड में अपने काम यहाँ करें, कर्मचारी यहाँ पर काम करें, तो ये भी बहुत अच्छा अपना ग्राउंड हो सकता है। आप हालत देख सकते हैं कितनी बेकार इसकी हालत हो रही है। ये दारू का अड्डा बन चुका है, लोग शाम को यहाँ बैठते हैं, कोई दारू पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई कहीं ना कहीं मतलब गलत काम सारे होते हैं।